आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास लोगों की मैरिज की। शुरुआत होती है इनविटेशन से। हमारे घर इनविटेशन कोई लेके आता है, हमारा ध्यान इनविटेशन पे नहीं है, हमारा ध्यान डब्बे पे होता है कि डब्बा कितने किलो का है, हम देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबके मन में चल रही है, जा क्यों नहीं रहे, इतनी देर क्यों बैठे हुए हैं, कब ये जाए, कब हम डब्बे पे टूट पड़े, हम देख रहे हैं। फिर वो गए जो डब्बा देके आए थे, हम डब सब पूरा परिवार डब्बे पे टूटा पड़ा है, डब्बा खा रहा है, यहाँ तक सब ठीक था। दिक्कत तब हुई जब वो चाबी भूलने गए, वो चाबी लेने दोबारा आए, कहते वो कहते इन बुकड़ों को हमने अपनी शादी में बुलाया है। उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे करण अर्जुन वापस आ गए, हम ऊपर से कवर अप कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो मुंह में मिठाई ठूसी पड़ी है, ये तो बटरा शॉप का है, आपको तो फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद हम बेशर्म लोग, हम जाते हैं शादी में ऑल्टो में, सात लोग ठूस के हम जाते हैं शादी में, एंटर करते फिर करना शुरू करते हैं एक्सप्लोर। एज अ फैमिली लीडर मेरे पापा वो काम डिवाइड करते हैं, बच्चे स्नैक्स पे जाएंगे, माय डिनर संभालेंगी, दारू और चिकन हमारा काम है। फिर सब पूरा छानबीन करके आते हैं, एक जगह बैठते हैं, सब डिस्कस करते हैं, हाँ बेटा वहाँ क्या हुआ, अच्छा वहाँ तो दाल चावल लगा है, वहाँ ये लगा, अच्छा अच्छा अच्छा। माँ ने बच्चे से पूछा बेटा तूने क्या खाया, कुछ भी नहीं था मम्मी, कहता खाया क्यों नहीं, 500 रुपये शगन डाला है, 400 रुपये की शर्त गंडी कराया, खाया तो नहीं है, चटनी कहाँ से लग गई। वो कहता मम्मी साथ वाले अंकल हफ्सियों की तरह खा रहे थे, चटनी घेर दी, आप भी खा लो। फिर उसके बाद बारी आती है डांस की। डांस का भी एक प्रोसेस होता है, पहले 2 घंटे स्टेज एकदम खाली, फिर 15 मिनट में आने शुरू होते बच्चे गुब्बारे लेके, मेरे को पकड़ के दिखा, इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है, ऐसे बच्चे पैदा कैसे होते हैं। फिर उसके बाद आने शुरू होते लड़के वाले यंगस्टर्स लोग 20-25 साल के, वो फिर उनको देखा देखी आते हैं लड़की वाले, हम इनसे कम है क्या, हम नहीं जा सकते यहाँ पे, वो भी आते हैं, वो भी डांस करने आते हैं। फिर उनमें इतनी एनर्जी आती है, इतना पैशनेटली डांस करते हैं, जो गाना है वही स्टेप करेंगे, पूरा ऐसे कजरा रे तेरे कार रे, सब देख रहे हैं। ऐश्वर्या राय का कोरियोग्राफर ये था। फिर उसके बाद आते हैं पापा लोग, उनके 3 लग चुके होते हैं। वो तेज गाने पे, गाना स्लो है, वो अपने मजे में, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, बहुत स्वाद बहुत स्वाद। फिर उसके बाद आते हैं बूढ़े लोग, वो नाचते हैं, उनकी हड्डियों में से आवाज आती है, वो डांस कर रहे हैं, आके राजा 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 कलेजा राजा, पूरा एकदम गंजा बंदा वो डांस कर, सब आसपास देख रहे हैं, अंकल में आज भी इतनी एनर्जी। अंकल भी कहते हाँ बेटा 3 बच्चे मेरे ऐसे ही नहीं हुए। फिर उसके बाद सब डांस वांस करके फिर आती हैं आंटियाँ, वो डांस नहीं करती, वो मारती तालियां। वो 3 तालियां मारेंगी, दूसरी आंटी को बुलाएंगी। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा अरे ये कीर्तन में भी यही करती है, शादी में भी यही करती है, इनके पास और कोई डांस नहीं है। फिर सब खा पी के साइड में हो जाते हैं, तब आते हैं सो कॉल्ड रिच क्लास लोग, वो हमारे साथ नाचने में शर्मी महसूस करते हैं। फिर वो आते हैं, वो डांस करते हैं वाइन वाला। डेस्पासितो ये आसपास लोग टिक्की खा रहे हैं, वो जज करते हैं।
बत्रे ने इनू बुलाया ये तो नक वटाऊगा साड़ी इनू नहीं सदना अगे तो आ की कर रहे ना देखो मूड खराब हो जाएगा भैन जी साडा सब साइड में फिर उसके बाद अभी हम है ना हम मिडिल क्लास लोग हमारी नियत अभी भी नहीं हुई हमें याद है डोसे तो रह ही गए हम जाते हैं दोबारा डोसे वाले के पास डोसा वाला अपना पैकअप कर रहा है वो कहते हैं भैया तीन डोसे पैक करने वाले देखे कहता वो भी चलो बेचारा शर्मा शरीफ दे देता है वो देख रहा है कहता इसने गंदी लुक दी वो कवर अप करने के लिए दोबारा बोलते हैं वो बाबूजी घर में है वो पैक करते हुए देते कहता है बिना दांत वाला बाबूजी तीन डोसे खा लेगा ले जा फिर हम डोसे संभाल के आते हैं अपनी ऑल्टो में जगह बना के बैठते हैं हम बैठते हैं जो बेचारा ड्राइवर है वो देख रहा है आए सात लोग थे ये नौ कैसे हो गए वो बेचारा फिर भी अपनी सीट एडजस्ट करने के लिए ऐसे हाथ मारते कहते ये क्या है कहते ये किसका बच्चा है बेटा तू कहाँ से आया अंकल चुपन चुपाई खेलना था वो कहता बेटा मोनू मम्मा के पास जाओ फिर आती है उसकी स्किल्स काम वो ऐसे टेढ़ा होके चलाता है अपनी ऑल्टो उसको पता नहीं चलता वो ऑल्टो से ऑटो ड्राइवर कब बन गया वो ऐसे टेढ़ा होके जाता है फिर हम लोग अपनी बच्ची कुछ इज्जत लेके वापस आ जाते हैं थैंक यू पिछली स्टैंड अप में तालियां किसने काट दी थी गिव इट अप फॉर गोकुल मलिक पिछली अच्छी हुई थी उसमें तालियां नहीं आई